नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगढ़ शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे विधानसभा बीकापुर से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 2 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए शाहगंज बाजार में जनता व क्षेत्रवासियों से अपना सहयोग और जन समर्थन मांगा। 27 फरवरी को अयोध्या में 5वें चरण का चुनाव होना है। अब केवल 1 हफ्ता बाकी है, जिसके चलते सभी पार्टियों के नेताओं ने ताबड़तोड़ व दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, विधानसभा 2022 में कांग्रेस का परचम लहराएगा, लोगों का जन समर्थन मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा, जनता मुझे विकास के नाम पर वोट देगी। मैंने जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई और जेल भी गया और मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। सपा बसपा भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के पहले ये प्रत्याशी कहां थे? सपा प्रत्याशी को नामांकन 1 दिन पहले टिकट दिया गया, जब चुनावी नजदीक आया तब ये लोग बरसाती मेंढक की तरह दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा, सपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वे यादवों का हत्यारा है। उन्होंने कहा, जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, गड्ढा मुक्त सड़कें, बिजली, पानी, बढ़ते पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम सबसे अहम मुद्दे हैं। अखिलेश ने कहा, हमारी सरकार बनने पर इस महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। करता हूँ, इसलिए अखिलेश यादव को हाथ के पंजे वाला वोट हाथ के पंजे पे जाएगा। और जितने प्रत्याशी हैं, सपा बसपा भाजपा, कोई बता दो कहाँ ये लोग थे? आज 10 दिन चुनाव आया तब ये दिखाई पड़ रहे हैं। रुपए डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपए के पास है। कहानी नाच रहे हैं भैया, मनमोहन सिंह को चूड़ी गानी भेज रही है स्मृति ईरानी जी। और सरसों का तेल 200 से अधिक हो गया, गैस सिलेंडर 1000 से अधिक हो गया। ये कहानी चूड़ी भेज रही हैं, ये कहानी नंगा नाच रहे हैं। साफ जाहिर है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये कारपोरेट घराने की सरकार है, ये गरीब ना नौजवान किसी के हित की सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीपतियों अडानी और अंबानी की सरकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए धनगढ़ शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।